वेलकम टू एप्सैरचुअल स्कूल माई नेम इसदाम सईद एंड टूडे वी आर गोइंग टू टीच अवर ओ एस पीउंड चैप्टर नंबर हमारा गेंद फाइव होगा uh, इसके लास्ट के टू टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग थे वो आज हम कवर करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन हम यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर पेज नंबर बुक का है वन फिफ्टी वन टू वन फिफ्टी सेवन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क्स हमारा टॉपिक रहेगा आज की जो हमारे कॉन्टेंट और सामरी रहेगी उसमें हमारे पास सबसे पहले कम्युनिकेशन एलिमेंट्स कम्युनिकेटिंग मैसेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क वायर कम्युनिकेशन और अनवायर जिसे हम गाइडेड और अनगाइड मीडिया भी कह सकते हैं तो ये जो लेक्चर्स होगा ट्यूटोरियल होगा ये क्लास एट सेक्शन ए एंड बी दोनों के लिए अवेलेबल है ओ एस पी राउंड सिक्स को हम यूटिलाइज करेंगे तो नेटवर्क फंडामेंटल्स सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेश एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक जगह से दूसरे को भी मैसेज जाना है या रिसीव होना है तो वो उसके बीच में कितने पार्ट्स मौजूद हैं अगर आप गौर देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक मैसेज सोर्स है कि सबसे पहले आपका मैसेज सोर्स का मतलब है कि कहाँ से मैसेज स्टार्ट हो रहा है फिर आपका मैसेज एनकोड होता है एनकोड का मतलब होता है कि आपका मैसेज इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि दूसरे बंदे को समझ नहीं आती फिर आपका जो मैसेज है वो ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है फिर ट्रांसमिशन का मीडियम लगा होता है कि, कि किस तरह से आपका ट्रांसमिट आ रहा है चाहे वो गाइडेड मीडिया के थ्रू जा रहा है या अनगाइडेड मीडिया के थ्रू जा रहा है फिर रिसीवर जिस जो एंड करने वाला है फिर आपका मैसेज जो इनकोड होता है उसे वापस डी किया जाता है और उसके बाद मैसेज अपनी जगह पहुँचता है अब देखें ना हमें तो आज तक यही लगता है कि हम व्हाट्सएप पर कोई एक मैसेज भेजते हैं और दूसरे बंदे को रिसीव होता है तो उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं जो वो प्रोसेस आपके साथ जो है वो शेयर किए गए हैं तो मैसेज सोर्स है यानी कि जो सेंडर होगा इनकोडर है जो आपका डाटा दूसरी फॉर्म या दूसरी लैंग्वेज में आप लेके जाते हैं अब ये कैसे लेके जाते हैं ये आप हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में फिर ट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिट करता है आपके मैसेज को सिग्नल के करॉस फिर ट्रांसमिशन मीडियम कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज़ आउट कर रहे हैं फिर आपके पास डिकोडर जो आपकी मैसेज होता है वहां पर डिकोड करता है फिर आपके पास डेस्टिनेशन जो आपके पास रिसीवर है जहाँ वो जाएगा तो कम्युनिकेटिंग द मैसेजेस के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें सबसे पहले वो बात कर रहा है इन अ थ्योरी डाटा कुड बी सेंड एज वन मैसिव स्ट्रीम ऑफ बिट्स तो अगर हम थ्योरी के अंदर देखें तो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे मैसिव कंटिन्यूस बिट्स की फॉर्म में मूव कर रहा होता है अब इसमें दो तरह की प्रॉब्लम आ जाती है पहली प्रॉब्लम कहती है कि कोई भी डिवाइस अगर सेम नेटवर्क पर डाटा सेंड करती है तो वो एक से ज़्यादा डाटा को सेंड नहीं कर सकती कि नो अदर डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क कैन सेंड वाइल देर इज वन सेंडिंग अगर आप शेयर कर रहे हैं तो फिर कोई और नहीं करेगा उसी नेटवर्क के थ्रू इफ अ लिंक फेल्ड अ कंप्लीट मैसेज विल बी रिट्रांसमिटेड अगर तो कोई लिंक फेल होता है कोई डाटा मिस आउट होता है तो फिर ये ज़रूरी है कि आप दोबारा सारा डाटा को रीट्रांसमिट करेंगे इट इज नेसेसरी अब होता यह है कि जो डाटा होता है वो एक्चुअली डिवाइड होता है बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस मैंने आपको क्लास के अंदर भी थोड़ा सा आई थिंक गाइडनेस दी थी, थी इसकी कि आप गौर करें तो हमारे पास सेगमेंटेशन ही के स्मॉल पीसेस के अंदर डाटा हमारा ट्रांसमिट होता है कि जब एक जगह से हम दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो हमारा स्मॉल पीस ऑफ डाटा जो होता है वो बनता है जिस वजह से हम सेगमेंटेशन कहते हैं राइट साइड पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है वहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक सोर्स है एक तरफ डेस्टिनेशन है लिखा हुआ है डाटा स्ट्रीम ए उधर डाटा स्ट्रीम ए यानी कि बोथ साइड पे और फिर आपके पास डाउन पे डाटा स्ट्रीम बी और लेफ्ट साइड पे भी डाटा स्ट्रीम बी है तो आप देखेंगे जैसे ही आपके पास चारों साइड से डाटा दो लेफ्ट साइड पे डाटा स्ट्रीम ए और डाटा स्ट्रीम बी के ऊपर से जैसे ही डाटा आपका मूव होगा तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो प्रॉपर सेगमेंट बन रहे हैं कि ए बी ए बी कि फिर जो बी होगा पहले बी में चला जाएगा फिर ए आएगा अब अव चला जाएगा फिर बी और फिर ए तो मीन्स कहने का पर्पज़ क्या है कि ये आपके पास एक सेगमेंटेशन है स्मॉल पीसेस बने हुए फ़ायदे क्या हैं दो तरह के फ़ायदे होते हैं सेगमेंटेशन बनाने के पहले फ़ायदे वो कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल डाटा स्ट्रीम और कम्बाइन टू वन सिंगल हम एक से ज़्यादा डाटा को कम्बाइन करके एक सिंगल बना सकते हैं पहला एडवांटेज हमारे पास ये हुआ दूसरा हमारे पास एडवांटेज होता है वो होता है कि रिलाबिलिटी जो है वो मिसिंग पार्ट के अंदर से हमें ज़रूरत पड़ जाती है उसकी टाइम की अगर आप उसकी मिसिंग पार्ट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो हम दोबारा से उसे भेज सकते हैं इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं अब हम बात करते हैं अगली कम्युनिकेटिंग की कि हम अपने मैसेज को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं अगेन डाउन साइड सेगमेंटेशन एंड की बात होती है कि आपके पास दो टाइम है पहला कॉम्प्लेक्सिटी सेकेंड टाइम कंजप्शन ये कितना मुश्किल और कितने टाइम में हम डाटा को सेंड कर सकते हैं नीचे जो पिक्चर बनी है अब गौर करें सबसे पहले एक ऊपर एक बंदा बैठा हुआ अपने पीसी पे जो डाटा को सेंड करता है और उसी नेटवर्क के अंदर एक और बंदा जो है वो भी नेटवर्क को सेंड करता है कोई मैसेज सेंड करता है दोनों की जो डाटा है वो स्मॉल ग्रीन कलर के पार्ट्स में सेगमेंटेशन बने और आस्ता आस्ता वो जलेगा आपके सर्वर के ऊपर फिर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर डेफिनेशन करें तो हम पहले भी इस बारे में थोड़ी बात कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा डिवाइसिस आपस में कोई ग्रुप बना लें और डाटा कम्युनिकेशन करें तो हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है अगर ग्रुप ऑफ डिवाइस विच आर कनेक्टेड टूगेदर टू गिव दूजर आ सर्ट इन सर्विस अगर हम नंबर ऑफ डिवाइसिस या ग्रुप ऑफ डिवाइस ग्रुप में दो से ज़्यादा जितनी मर्दी डिवाइस आप ऐड कर लें अगर इनको हम आपस में कम्युनिकेट कर दें और किसी सर्विस प्रोवाइड देना शुरू कर दें तो फिर हम उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं ये जो हमारे पास डिवाइसेस हैं इसे एंड यूजर्स कहा जाता है जिसके अंदर आपके पास होस्ट इमिजेटरी नेटवर्क डिवाइसेस और फेरीफल्स डिवाइसेस मौजूद होती हैं इसके अंदर आपके पास इसके अलावा भी हो सकती हैं प्रिंटर हो सकते हैं स्कैनर हो सकते हैं फोटो मशीन हो सकती है फैक्स मशीन हो सकती है स्पीकर इवन हो सकते हैं तो ये कोई सारी चीज़ें और भी इसमें मौजूद हो सकती हैं तो पर्पज़ ये है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में हम डिवाइड कर लें लेकिन वो सर्विस एक यूज करें उससे हमारे पास कॉस्ट भी काफी कम लगेगी फिर एंड डिवाइसेस की बात करते हैं जी एंड डिवाइसेस का मतलब क्या है एंड डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड होस्ट हमारे पास जो एंड डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं एंड डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास एंडिंग पे कौन सी डिवाइस लगी होती है जिस तरह अगर आप फोटो कापी मशीन की बात करें तो फोटो कापी मशीन के साथ अगर मैंने एक अटैच किया प्रिंटर की लेट्स लैट्सपोर्थ तो अगर आप बात करें तो प्रिंटर के साथ आपका कंप्यूटर अटैच हुआ हुआ है और कंप्यूटर से देखें डायरेक्टली प्रिंट नहीं आता प्रिंट आता है प्रिंटर से तो अगर मैं कंप्यूटर से कोई कमांड देता हूँ तो आउटपुट जो है जो एंडिंग डिवाइस के बनेगी वो प्रिंटर बनेगी कि वहाँ से उसने हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करना है तो इसे हम होस्ट कहते हैं होस्ट जो है वो दो तरह से काम करता है एक क्लाइंट की सूरत में और एक सर्वर की सूरत में और समाइम दोनों की सूरत में भी करता है अब इज इज क्लाइंट क्लाइंट एंड सर्वर वो बंदा या वो यूजर जो बैड की चीज को इस्तेमाल करता उसे है उसे क्लाइंट कहते हैं सर्वर कहते हैं उस कंप्यूटर को कि ऐसा कंप्यूटर जो आपके डाटा को ट्रांसमिट करता है जिसमें आपका डाटा जो है वो सेव होता है ये दोनों साइड पे यूज हो सकता है सोर्स यानी कि जहाँ से आपका मैसेज सेंड हो रहा है वहां पे भी और डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका मैसेज खत्म होता है वहां पे भी इसके अंदर एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिससे इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस भी कहा जाता है इसमें आपके पास कंप्यूटर कंप्यूटर प्रिंटर वॉइस ओवर आई पीज़ मोबाइल फ़ोन मोबाइल डिवाइस इसमें बहुत सारे यूज़र होते हैं नीचे अगर आप गौर करें एक पिक्चर बनी हुई है इस पिक्चर में अगर आप बिल्कुल मिड में देखें तो एक हब है हब मीनस के वो पॉइंट जहाँ से आपकी टेक्नोलॉजी या आपका जो मेन सर्वर है जहाँ से आपकांटरनेट और कनेक्शन यूज आउट होता है आप देखें वहाँ से डिफरेंट पीसीज भी कनेक्ट हैं वहाँ से लोकल प्रिंटर कनेक्ट हैं स्कैनर कनेक्ट हैं नेटवर्क प्रिंटर कनेक्ट है तो आप फोकस करें कि यह हमारे पास एंड रिजल्ट एंड डिवाइसेस कौन सी हैं तो सबसे पहले आती है लोकल प्रिंटर की क्योंकि लोकल प्रिंटर सबसे आखिरी वाली डिवाइस है कि नेट लगा हुआ है नेट से आपके पास कंप्यूटर में नेट आ रहा है फिर वहां से मैं कोई कमांड दूंगा तो प्रिंटर्स निकलेगी या स्कैनर हो सकता है या नेटवर्क प्रिंटर हो सकता है तो इस तरह हमारे पास एंडिंग डिवाइसेस वर्कआउट करती है फिर आपके पास आती हैं इंटरमीडिएटी नेटवर्क डिवाइसेस की इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब क्या है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं और जो नेटवर्क हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए कनेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क टुगेदर के आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कनेक्ट होने चाहिए मैनेज डाटा फ्लो थ्रू द नेटवर्क कि अगर आपको जो डाटा फ्लो है नेटवर्क के थ्रू वो होना लाजमी कि आपका जो नेटवर्क होगा उसमें से डाटा जो है वो लाजमी पास आउट होना चाहिए फिर क्लासीफाई एंड डायरेक्ट मैसेजेस अकॉर्डिंग टू क्यू प्रियोरिटीज क्यों ऐसे हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी बेस पे हम अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन से मैसेज जिसको पहले जाना चाहिए और किसको बाद में जाना चाहिए लेकिन आपके लेवल पे इसकी इतनी यूटिलाइजेशन नहीं है जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैसेजिज़ है उसकी भी कुछ प्रोरिटीज़ होती हैं फिर री जनरेट एंड री ट्रांसमिट डाटा सिग्नल क्या आप अपने डाटा को दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं और रिट्रांसमिट भी कर सकते हैं फिर परमिट और द फ़्लो ऑफ डाटा बेस्ड ऑन सिक्योरिटी सेटिंग ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं लेकिन कुछ सिक्योरिटी सेटिंग की बेस के लिए हम उसको यूटिलाइज कर नहीं पाते नोटिफाई अदर डिवाइज ऑफ़ एरर एंड कम्युनिकेशन फेलियर्स कि अगर आप कोई डिवाइस फेल हो चुकी है या एरर आ गया या वो सही काम नहीं कर रही तो उसका हमें बार बार मैसेजेस आना शुरू हो जाता है कि ये मैसेज जो है वो आपके लिए आ रहा है और आप इसको चेक कर लें इधर उसकी केबल ख़राब है किसी वजह से भी जो है वो इशू आ रहा है जो भी इसकी प्रॉब्लम यूटिलाइज हो सकते फिर उसके बाद अगर हम देखें नीचे आपके पास चार पॉइंट्स हैं नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेज इंटरकनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइस सिक्योरिटी डिवाइस और मोड ये चार ऐसी डिवाइस जो इंटरमीडिएट डिवाइज हैं जो आपके साथ वर्कआउट करती हैं लेफ्ट साइड पे पिक्चर वही है जो राइट साइड पे थी वो मैंने साथ अटैच की हुई इसके अंदर आपकी चारों डिवाइस वर्कआउट कर रही हैं फेरीफेल डिवाइसेज जो है वो उसके अंदर आपके पास कोई लॉजिकल एड्रेस नहीं होते डोंट कम्युनिकेट डायरेक्टली नेटवर्क उसमें आपके पास डायरेक्टली किसी नेटवर्क के आप नहीं कर सकते वो किसी ना किसी के साथ पास थ्रू होकर चलेगी अगर आप वो फोकस करें तो हमारे पास एंड डिवाइस ही इसके अंदर आ जाती हैं फिर डोंट कम्युनिकेट डायरेक्टली इन द नेटवर्क फिर रिलाय ऑन कनेक्टिंग होस्ट टू परफॉर्म ऑल नेटवर्क ऑपरेशंस के हमारे पास जितने भी नेटवर्क के ऑपरेशंस है वो रिलाय करते हैं एक दूसरे के ऊपर के अगर आदर वो वर्कआउट करते हैं तो वो करेंगे अदरवाइज वो नहीं करेंगे ऐसी सी बात है अगर मैं प्रिंटर से प्रिंट लेना चाहता हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर का होना चलना जरूरी है अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा तो मैं प्रिंटर से प्रिंट नहीं ले सकता और अटैच वेब कैम वही लोकल प्रिंटर्स के अंदर इसकी कुछ एग्जाम्पल अब नेटवर्क मीडिया की कुछ बात कर लेते हैं नेटवर्क मीडिया कहता है कि हम आपको दो तरह से प्रोवाइड करते हैं ट्रांसमिशन को हम क्लास में ऑलरेडी गाइडेड और, गाड़ी गाड़ी और गाड़ी मीडिया पढ़ भी चुके हैं लेकिन उसी कुछ यहाँ पर डिटेल आएगी वो देखें पहली जो बात वो कर रहा है वो कर रहा है टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया उसमें आपके पास तीन चीजें आ रही हैं पहली चीज़ की बात हो रही है वो मेटेिक वायर कॉपर हमने पहले बात की थी कॉपर जो हमारे पास वायर हैं राइट साइड है पे पिक्चर्स मौजूद है आप देख भी सकते हैं कॉपर हमारे पास एक ऐसी वायर होती है जिसमें डाटा जो है वो इनकोड हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बेस पे कि हमारा जो डाटा है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की तरह वर्क करता है और इन वायर से पाउस आउट होकर हमारे तक आता है सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वह है फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स क्या काम करती है कि इसमें आपका डाटा बहुत तेज़ी से मूव होता है और इसकी जो मूविंग स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है वायरलेस मीनस यू नो डैट के वायर के बगैर आप हमें डाटा को ट्रांसमिट करना है जो हम किसके थ्रू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू करते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घर का वाईफाई है जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक्स वेव्स के थ्रू आपके फोन और लैपटॉप को कनेक्ट करता है फिर क्या क्राइटेरिया हो सकता है हम चूजिंग मीडिया करें हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं तो डिस्टेंस कुछ चीज़ें हम हाँ मेंशन हैं आप देखें कि किस तरह से हमारे लिए बेहतरी रहेगी इस चीज़ में सबसे पहली चीज़ आती है डिस्टेंस कि हमने कितना डिस्टेंस जो है उससे हम कनेक्ट करें कितना दूर है हम हमारा रूम या हमारी स्पेस वो कितनी दूर है डेस्टिनेशन से जहाँ पर राउटर लगा हुआ है इन्वायरमेंट क्या बहुत ज़्यादा क्लो दीवारें हैं या ओपन इन्वायरमेंट है सेकेंड नंबर इस पर डिपेंड करता है बैंडविथ कितनी स्पीड का इंटरनेट लगा हुआ है ये इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि जितनी स्पीड की लगी बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है वो काम अपना यूटिलाइज करना है उसके बाद कॉस्ट ऑफ मीडियम एंड इंस्टॉलेशन क्या आपकी कॉस्ट इस लेवल की है कि आप उसे यूटिलाइज कर लें या फिर वो ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए कि आप उसको ज़्यादा दा मूव ऑन कर सकते हैं या आपने खुद शो करना है कि आपके पास टोटल कितना पॉइंट है और मुझे उसे कितना जो है वो आगे लेके जाना है क्या इतनी मेरे पास बजट है कि मैं ये काम कर सकूँ ऐसा भी हो सकता है कि आपका बजट ही ना हो कि लेट सपोज़ कि जो मैंने तार लगानी है ऑप्टिकल फाइबर की वो टेन थाउजेंड की लगती है और मेरे पास हो तो मैं वो मोडेम लगा ही नहीं सकता या इंस्टॉलेशन चार्जेस मेरे लिए इश्यूज़ हो जाते हैं तो ये चीज़ें भी आपने सारी ख्याल के साथ रखनी है फिर कॉस्ट ऑफ कनेक्टर एंड इक्विपमेंट तो इसमें भी अगेन कॉस्ट की बात आ जाती है कि आपके पास जो कॉस्ट है कनेक्टर्स की इक्विपमेंट्स की वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए उस लेवल पर कि आप उसे कितना बर्न आउट कर रहे उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क आप आज के दौर में देखें तो हमारे पास पूरी दुनिया से लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्ट आज से पचास साल पहले चले जाऊँ तो शायद ये करना मुमकिन नहीं था सोचना भी मुमकिन नहीं था कि एक बंदा अगर कैनेडा बैठा है या अमेरिका में बैठा है तो पाकिस्तान में किसी कोने बैठा है उससे लाइव कॉल भी बात कर रहा होगा लेकिन आज आप देखें तो चीज़ बड़ी आसान है आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर टेलीग्राम स्नैपचैट पता नहीं बेचता ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनके ऊपर आप ये काम आज करते हैं तो इम्पॉटेंस ऑफ नेटवर्क की हमारे पास सबसे पहले इंपॉटेंस क्या आती है सॉफ्टवेयर एंड फाइल शेयरिंग आज से अगर मैं दस पंद्रह साल पहले जाऊँ तो वहाँ पर हमारा टारगेट ये होता था कि अगर आपने किसी बंदे को कोई फाइल भेजनी है तो उसे सी डी रॉम में करके भेज दो जब यू एस पी का दौर नहीं था तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि स्पेस तो वह सी डी ख़राब हो जाती है महंगी मिलती है तो इतना यूटिलाइज नहीं था लेकिन आज के टाइम पर आप देखें हम भी काम नेटवर्क के जरिए कर रहे हैं और बड़ी आसानी से हो रहा है हार्डवेयर शेयरिंग आप प्रिंटर स्कैनर फोटो कापियर मशीन इसके अलावा फैक्स मशीन सब को एक हार्डवेयर के साथ जोड़ सकते हैं अगर आप एक हार्डवेयर लेंगे तो सबके साथ आप इजिली वर्कआउट कर सकते हैं फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की कुछ बात है यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल की टेलीफोनिंग आ जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाती है और आप यूटिलाइज कर लेते हैं आप देखें व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं एक दूसरे से वीडियो आप फॉर आई थिंक पर पर्सन को भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अलावा हम आ, स्काइप की अगर बात करें इसके अलावा हम फेसबुक मैसेंजर की बात कर लें तो वो भी हमारे पास आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है अब टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स की साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे जो नेटवर्क है वो डिवाइड हुआ तीन साइज के अंदर और मीडिया के अंदर हुआ दो साइज़ के अंदर तो पहले हम अकॉर्डिंग टू साइज देख लेते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू मीडिया देख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइज़ तीन में है जी पहला है लैन दूसरा है मैन और तीसरा है वैन ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है लैन मैन का जो आपके पास आने वाले तीन चार पाँच छः साल तक चलता रहेगा अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में रहते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पहला है लैन पूरा मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वैन जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है और सेकंड है अकॉर्डिंग टू मीडिया ये वही मीडिया है जो आपने क्लास में पढ़ा जिसे हम गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया कहते हैं तो गाइडेड मीडिया को मैंने वर्ड के साथ शेयर यूज किया है के के साथ और मीडिया को वायरलेस कि व्हाट इज लैंड लैंड हमारे पास पूरा मतलब क्या है जी लोकल एरिया नेटवर्क तो ये क्या करती है यूजली स्पेन सिंगल जियोग्राफिकल एरिया हमारे पास सिंगल जियोग्राफिकल एरिया जो है उसकी बेस पे काम करता है कि अगर छोटा एरिया है एक एक ऑफिस का का या बिल्डिंग तो वहाँ पे काम कर सकता है प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल विद इन अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो उस कंपनी बिल्डिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो लोग हैं उनको सर्विस परफॉर्म करता है हाई स्पीड इसकी होती है uh, बड़ी आसानी से आप इसे रन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इसे ईजिली मैनेज कर सकती है और जस्ट एक लोकल सिंगल नेटवर्क होती केबल होती है जिसके ऊपर सारा कंप्यूटर काम करता तो है नीचे अगर आप कुछ देखें सिंगल लोकल नेटवर्क के साथ और मल्टीपल लोकल नेटवर्क के साथ मैंने इसकी डायग्राम को अटैच किया हुआ है तो अगर आप सिंगल नोटवर देखें तो एक ही तार जो है स्विच वन से स्विच टू में जा रही है फिर स्विच थ्री से स्विच टू में जा रही है और आगे उनके साथ कनेक्टेड है लेकिन अगर आप मल्टीपल में हैं तो ये तीनों आपस में एक हब के साथ कनेक्टेड है एक ही राउटर राउटर से मल्टीपल स्विचेस में वायर जा रही है और फिर उस वायर से आगे मल्टीपल पीसेस के अंदर आका जो है वायर है वो अटैच हो रहा है सेकेंड आ पास है मैन वैन <coughs> तो वैन जो है हमारे पास वो कह रहा है ग्रुप ऑफ लैंड इंटरकनेक्टेड विद इन लार्ज एरिया अगर आप मल्टीपल लैंड्स के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को आपस में अटैच कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है वैन बन जाता है अगर आप एक तरफ देखें इस्माइलिया का एक पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है दूसरी तरफ कायरों का एक बना हुआ है तो अगर मैं दोनों लैंड के कॉन्सेप्ट को उठा के आपस में जोड़ दूँ एक साथ मिला दूँ तो वो क्या मिल जाता है वैन बन जाता है तो वैन का पूरा मतलब क्या होता है वाइड एरिया वाइड का नाम से ज़ाहिर है बहुत बड़ा एरिया अगर आपने कवर करना हो तो आप यूटिलाइज़ करते हैं टी एस पी इंटरकोनेक्ट थीसिस जियोग्राफिकल स्पैन नेटवर्क आपके पास जो नेटवर्क का जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्रिक्ट्राइज बाय स्लो डाटा स्पीड लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स आप अटैच करते रहेंगे जितनी ज़्यादा लोकेशंस को आप यूटिलाइज़ कर लेंगे उतनी ही स्पीड पे थोड़ा सा फ़र्क आता है अब बहुत फ़र्क तो नहीं आता लेकिन एज़ कम्पेयर टू लैंड थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसके बाद नेटवर्क की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूं तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन डाटा टाइप सिंबल है जिसमें पहले आप देखें राउटर हैं फिर आपके पास लैन की स्विच आ जाती हैं फिर लैन हब्स आ जाती हैं फिर सर्वर आ जाते हैं फिर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है फिर आपके पास लैपटॉप्स आते हैं फिर आपके पास फायर आते हैं आईपी फोन्स हैं फिर आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट है फिर आपके पास वायरलेस राउटर फिर वैन मीडिया वैन लैंड मीडिया वायरलेस मीडिया तो ये के पास सारे एक्टिविटीज़ हैं यहाँ के पास डेटा के सिंबल हैं कि हम जब भी कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क के लिए हमें हर ये चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं हम इनको यूटिलाइज साथ साथ करते हैं अब हमारे वे पास वे इसके अंदर जो है वो मैन जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड अभी तक नहीं किया मैन uh, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि मेरे पास मैन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेट्रोपोलीटन एरिया नेटवर्क होता है और मेट्रोपोलीटन एरिया नेटवर्क जो है वो मैंने आपके लिए थोड़ा सा उसट पे रखा है कि आपने ये काम करना है एक एक्टिविटी आपको यहीं पे दे रहा हूँ कि आपने उसको प्रॉपरली नेट uh, से सर्च करना है उसको ये डायग्राम उसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली देखनी है और देखने के बाद उसके बाद आपने उसको अपनी कॉपीज पर प्रॉपर लिखना भी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उससे पूछ भी सकते हैं तो इस स्लाइड के अंदर हम एन की बात करेंगे जिसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये वही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसे लाइन अडाप्टर भी कहा जाता है और ये आपके मोबाइल आपके सॉरी कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होते हैं इसको आप निकाल भी सकते हैं और ये वही प्लग इन पॉइंट है जो आप अपने नीचे इंस्टाडाग्राम देखें तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जाके पास एक लैन का नेटवर्क जो है वो बना होता है तो इसे क्या कहते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एट प्रोवाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन कैपेबलिटीज़ टू एंड फ्रॉम अ पर्सनल कम्प्यूटर और अदर होस्ट डिवाइस तो हमारे पास ये एक ऐसा बोर्ड है सर्कट बोर्ड है जो हमें नेटवर्क की कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है अगर आपके कंप्यूटर में एक बोर्ड लगा होगा तो ही आपके कंप्यूटर में आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते द मीडिया प्लग डायरेक्टली इन टू द एन ए सी जो आपका जितार होती है इंटरनेट की आप डायरेक्टली प्लग इन करेंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा फिर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सूटेड और कुछ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल डेट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस जितने भी आपके पास रूल्स होते हैं किसी गवर्न के उसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास प्रोटोकॉल थे किसी भी कम्युनिकेशन के बिटवीन प्रोटोकॉल सूट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल नेसेसरी टू परफॉर्म अ कम्युनिकेशन फंक्शन हमारे पास एक ग्रुप है अगर किसी प्रोटोकॉल रिलेटेड का तो उसको हम ये ज़रूरी होता है कि उसके साथ हम किसी भी कम्युनिकेशन फंक्शन को यूटिलाइज़ कर दें तो हमारे पास प्रोटोकॉल सूटेड की बात हो जाती है फिर अस्टैंडर्डेंडर्ड क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क की इंडस्ट्री को रेक्टिफाई करते हैं जिसके अंदर आई ट्रिपल ई है और आई ई टी एफ है ये वो इन आई ट्रिपल ई और आई ई टी एफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में जो कि आपके साथ पेपर पब्लिश यहाँ पे करती हैं और लेटेस्ट रिसर्च रखती हैं प्रोटोकॉल डिस्क्राइब ओनली वट फंक्शन आर रिक्वायर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन रूल बट नोट दे बट नॉट हाउ दे आर टू बी कैरिड आउट कि प्रोटोकॉल जस्ट ये तो बता देता है कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है पर ये नहीं बताता कि आपने उसे यूटिलाइज़ किस तरह करना है किस तरह आपने उसे कैरी करना है ये बड़ा मुश्किल चीज़ होती है जिसके ऊपर रिसर्च होती हैं और बहुत सारे रिसर्चर उस पर अपने प्रॉपर पेपर भी मार करते हैं तो अगर आप डायग्राम पे देखें तो आप देखें सबसे पहले टॉप पर कंटेंट लेयर है फिर रूल्स की लेयर है रूल्स लेयर का मतलब क्या है कि आपके पास कम्युनिकेशन की प्रोटोकॉल रूल है कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है जब तक आपके टर्न नहीं है जब तक आप वेट करें जब सिग्नल आएगा तब ख़त्म करेंगे फिजिकल लेयर क्या आप दो कम्युनिकेशन पाथ के बीच में किस पॉइंट की लेयर है और वो क्या वायरलेस है या नॉन वायरलेस है जो भी कम्युनिकेशन मीडियम में हो तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है असाइनमेंट और होमवर्क जो है उसमें जस्ट अगेन थ्री क्वेश्चंस हैं और पहला क्वेश्चन अभी लास्ट टॉपिक से ही रिसेंट टॉपिक से ही जो है लिंक है कि आप अपनी गाइडेड और अन गाइडेड मीडिया के बीच में डिफरेंस बताना है ये क्वेश्चन बहुत बार दे चुका हूँ टेस्ट में हो चुका है पेपर में आ चुका है अगेन हमने अभी कोई तो आज का लेक्चर कवर किया तो आपके पास अगेन भी आ गया है ये गाइडेड और अन गाइडेड मीडिया के बारे में आपने बताना है फिर सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है वट आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कम्यूनिकेशन क्या होंगे उसके बारे में आपने बताना है वे डायग्राम अगर काट है तो ज़्यादा बेहतर है आपने डिफ्रेंस करना है लैन वैन और वैन के बीच में और आपने उसके तीन फ़ायदे और तीन नुकसान भी मैंशन करने हैं आप ये बात वैन, वैन में, में रखिएगा कि आपके पास जो फ़ायदे नुकसान है वो आप तीनों के लिखने और इसके अंदर मैंने मैन मैन को कन्सेप्ट नहीं किया यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि वैन को मैंने डबल लिख दिया है यहाँ पे वैन की जगह पे मैन होगा एम जो एंड के बाद एम एगा एम आएगा तो आपने मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में खुद से इंटरनेट सर्च करके लिखना है तो ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी नीट कॉपीज पे लिखने हैं इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट